आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमः। हम प्यारे मित्रों जय श्री राम जय माता दी। मित्रों आज आपसे चर्चा करते हैं होली 2023 का पावन पर्व और क्या है पौराणिक महत्व होली का, इसी विषय पे करते हैं चर्चा। होली का त्यौहार प्राचीन समय से मनाया जाता है, इसका उल्लेख पुराणों में भी प्राप्त होता है। दस कुमार चरितम, संस्कृत नाटक, रत्नावली आदि बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें होली के बारे में बताया गया है। सनातन धर्म में होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो होली के त्यौहार को लेकर के संवत की शुरुआत का पर्व भी माना जाता है और इसके बाद नवरात्रे आते हैं, नवरात्र से नया संवत्सर प्रारंभ हो जाता है, तो ये साल का आखिरी महीना भी बताया गया है। इसके साथ साथ इस दिन की कई मान्यताएं जुड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसी दिन पृथ्वी पर पहले इंसान का जन्म हुआ था, वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद अपने भक्त की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार हम बताएं कि भगवान कृष्ण को होली पर्व सर्वाधिक प्रिय है और इसी कारण यह ब्रज में होली का महोत्सव भी मनाया जाता है जो कि 40 दिनों तक लगातार चलता रहता है। ऐसे में भगवान कृष्ण के द्वारा शुरू की गई परंपरा आज भी उनकी नगरी मथुरा में देखने को प्राप्त होती है। होली पर बुराई पर अच्छाई की प्रतीक अर्थात जीत का पर्व माना जाता है। आज तक ऐसा पर्व होता चला आया है जब लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं और वहीं धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन होलिका में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां जल करके नष्ट हो जाती हैं, सकारात्मकता की शुरुआत होती है। तो यह होली का पावन पर्व, यह इसका धार्मिक महत्व मैंने आपको बताया। अब होली का धार्मिक महत्व इस तरह से मैंने आपको समझाया। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह पूजा पाठ के अनुष्ठान का विचार आपके मन में आता है तो निसंदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।